नमस्कार कच्चा चट्टा देख रहे आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह सत्ता पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया जाता है ये तो आपने सुना ही होगा लेकिन सत्ता पाने के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को अच्छा दिखाना शायद ये इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव पूरे हुए उसके बाद विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बौखलाई हुई है इसी बौखलाहट में उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। है तो क्या कुछ है पूरा मामला? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होना है भाजपा को लोकसभा चुनाव में राज्य में झटका मिलने की वजह से तनाव में जरूर होगी, लेकिन उधर झूठ को हथियार बनाकर इंडी गठबंधन वालों ने सत्ता हथियाने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया इसके लिए ना सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बल्कि दलितों में पैठ बनाने के के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है साथ ही मनोज जरा के नेतृत्व वाले मराठा आरक्षण आंदोलन को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद की आग बाला साहब ठाकरे के जमाने से ही भड़कती रही है जब यूपी बिहार वालों के खिलाफ शिवसेना मन से घृणा फैलाती थी राज्य में जब भाजपा की सरकार बनी तब इसमें कमी आई हालांकि अब साजिश है कि फिर से राज्य को आंदोलनों में झोंक दिया जाए और केंद्र और प्रदेश सरकारों के खिलाफ जनता को सड़क पर लाकर अशांति और अराजकता का माहौल बना दिया जाए हिंदी गठबंधन वालों ने देख लिया है दुष्प्रचार और अराजकता उनकी सफलता की गारंटी बन रही है

प्रकाश बापू पाटिल कांग्रेस के ही बागी हैं अगर वो लौटते हैं तो महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सीटें इकतीस तक पहुंच जाएगी और देश में कांग्रेस तिहाई आंकड़े को छू जाएगी महाराष्ट्र में कांग्रेस को तेरह शिवसेना यानी कि यूबीटी को नौ और एन यानी कि एसपी को आठ सीटें आई हैं। वही एनडीए की बात करें तो भाजपा को मात्र नौ सीटें ही मिली है वह उसकी सहयोगी दलों बाला साहेबान्ची शिवसेना ने सात और एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट मात्र एक सीट ही जीत सके शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी है और इसका एक एक धड़ा सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ है कुल मिलाकर राज्य में इंडी गठबंधन 30 और एनडीए ने सीटें अपने नाम की है अब देखते हैं 2019 में क्या हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले 23 सीटें अपने नाम की थी जबकि अखंडित शिवसेना ने तब 18 सीटें जीती थी इस तरह एनडीए का आंकड़ा तब इकतालीस का था जो अब 17 हो गया है वही कांग्रेस को सिर्फ एक सीट ही मिल सकी थी जबकि अखंडित एनसीपी ने चार सीटें अपने नाम की थी इस तरह एनडी गठबंधन सीधा पांच से इकतीस तक पहुंच गया यानी महाराष्ट्र में पासा पलट गया है लेकिन हमें इससे पहले ये भी देखना होगा कि वोट शेयर क्या कहते हैं अगर हम वोट शेयर पर नजर डालें तो 10 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए को 5 या उससे कम अंतर से हार मिली है अमरावती बीड़, धूले और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में हार का आंकड़ा 2% से भी कम रहा 26.18% वोट शेयर के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है जबकि कांग्रेस 16.92% के साथ दूसरे स्थान पर है कुल वोट शेयर की बात करें तो इंडी गठबंधन और एनडीए के वोट शेयर का अंतर मात्र एक एक 1.18% ही है सतारा और रत्नागिरी इन दोनों सीटों पर भाजपा पहली बार जीती शिवसेना के गढ़ रहे कुंकड़ में भाजपा ने छह में से पांच सीटें अपने नाम कर ली दुष्प्रचार और अराजकता के सहारे कांग्रेस का विधानसभा अभियान कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने दावा किया कि भाजपा ने महाराष्ट्र में हार की खींच में संसद भवन परिसर से छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को हटा दिया है क्या कोई भी पार्टी इतनी मूर्ख हो सकती है कि इन दोनों हस्तियों की मूर्तियां हटा दें वो भी चुनाव से पहले लेकिन नहीं कांग्रेस ने भाजपा को लेकर नकारात्मक माहौल बनाने के लिए ऐसा दावा किया जबकि सच्चाई यह थी कि इन मूर्तियों को पुराने संसद भवन से नए संसद भवन परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा था यानी कि वहां से वहां लेके जाया जा, जा, ले जा, 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 कि जा छत्रपति शिवाजी महाराज बल्कि महाराणा प्रताप और बिरसा मुंडा की मूर्तियां भी नए संसद भवन में लाई गई कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इसे अत्याचार करार दे दिया लोकसभा सेक्रेटरियट ने भी बयान दिया कि इन महा हर हस्तियों की मूर्तियों को सम्मान पूर्वक नए संसद भवन में लाया जा रहा है सोचिए जब तक सच्चाई सामने आती है झूठ भी का सफर तय कर चुका होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के जुन्नर में हुआ था जबकि बीआर अंबेडकर का परिवार मूल रूप से रत्नागिरी के अंवाडव से था बॉम्बे नर्थ और भंडारा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी ऐसे में महाराष्ट्र में ये दोनों बहुत ही सम्मानित हस्ती हैं अब कांग्रेस अपनी ये सच्चाई तो लोगों को बता नहीं सकती कि उन्नीस में बॉम्बे नॉर्थ से उसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निजी सचिव रहे नारायण सदोबा काज रोलकर को उतार कर उन्हें लोकसभा पहुंचने से रोक दिया था जबकि उन्नीस में भंडारा से कांग्रेस के ही भावराव बोरकर ने उन्हें हराया था वहीं जनसंघ यानी कि जो अब भाजपा है ने दोनों ही चुनावों में भीमराव अंबेडकर का समर्थन किया था इस सच्चाई को छपाने के लिए कांग्रेस को झूठ बोलना ही पड़ेगा कि भाजपा ने बाबा साहब की मूर्ति हटवा दी है बार बार उखाड़ा जाता है मराठा आरक्षण का मुद्दा मराठा आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर कई बार आंदोलन हो चुके हैं अभी नई सरकार का गठन हुआ नहीं कि एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया गया है इस बार आंदोलन का नेतृत्व मनोज जारांगे पाटिल कर रहे हैं, जो पिछली बार भी धरने पर बैठे अप्रैल के बाद अब जून में उन्होंने पुलिस से अनुमति न मिलने के बावजूद आमरण अनशन शुरू कर दिया है उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का भी कर दिया है ऐसा नहीं है लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे चुनौती दे दी गई फरवरी में भी मनोजे पाटिल ने सत्रह दिनों का अनशन किया था अब उनका कहना है की ओबीसी कोटा के अंतर्गत आरक्षण दिया जाए मराठा आरक्षण के नाम पर हुई हिंसा की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार का गठन भी कर चुके हैं इन्हें संयोग कहें या कुछ और संघर्ष दिखाए जाने की योजना है महाराष्ट्र के बड़े थिएटर कलाकार मकरकंद कंद देश पांडे को इसमें लिया गया है फिल्म का एक गाना भी आ चुका है जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर है फिल्म के क्रू ने सेंसर बोर्ड पर फिल्म की रिलीज आ, रोकने का भी आरोप लगाया था जबकि राजनीतिक कंटेंट होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे रोका गया अक्टूबर 2018 में भी जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी तब औरंगाबाद में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा मार्च निकाला गया था उससे पहले जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तब 16 प्रतिशत रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई लेकिन उच्च न्यायालय ने में इसके लिए लागू होने से आरक्षण अड़सठ प्रतिशत हो जाएगा जो 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है और संविधान के खिलाफ बताया जाता है अब विधानसभा चुनाव से मुद्दा उखाड़ा गया है क्या मराठा आंदोलन के नाम पर एक बार फिर से हिंसा की तैयारी है इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही है कांग्रेस पार्टी को अराजकता से कोई गुरेज नहीं इसमें उसे अपना फायदा ही दिखता है अगर हम दिल्ली में हुए किसान आंदोलन और शाहीन बाग को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि इन्हीं अराजक आंदोलनों के सहारे पार्टी सत्ता में अपनी वापसी की राह देख रही है क्या जनता इतना समझ पाएगी या इनकी साजिश सफल होगी जनता को भर्म में रखने की साजिश में कांग्रेस अब जरा सोचिए कांग्रेस की योजना क्या है केंद्र में 300 से भी अधिक सीटों के साथ एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार की जेडीयू चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने साफ कर दिया है कि उनका नरेंद्र मोदी को पूर्ण समर्थन है सात सीटों वाली शिवसेना यानी शिंदे गुट और पांच सीटों वाले आरएलजेपी भी है लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेनीथला नेताओं को जनता में यह भ्रम फैलाने का आदेश दिया है कि केंद्र में एक अस्थिर सरकार है है और वो कभी भी गिर सकती हजार उस पार्टी का नेता कह रहा है जिसने 2004 में 145 और 2009 में 206 सीटों के साथ सरकार चलाई थी कांग्रेस के नौ निर्वाचित सांसदों को महाराष्ट्र में ये अनिश्चितता फैलाने के लिए लगा दिया गया है कि केंद्र सरकार कितने दिन चल पाएगी इस पर संशय है भ्रम संशय अशांति अराजकता झूठ अब यही महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के लिए हथियार बन गए हैं भाजपा को इससे निपटना होगा महाराष्ट्र वैसे भी राजनीतिक खिचड़ी हो गई है दो दल टूटे हैं जिनके एक का परिवार भी टूटा है सत्ताधारियों को मात मिली है विपक्ष विपक्ष जीता है यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुद्दे के के बल बल पर पर नहीं बल्कि फरेब बल चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता ने जवाब दिया है ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जनता इनको खदेड़ देगी कच्चा चट्टा में फिलहाल के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार